हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में अपन एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे जिस कॉलेज का नाम है डॉक्टर बीसी रॉय इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। और ये कॉलेज है कहाँ पे? ये कॉलेज है आपको वेस्ट बंगाल में WBCE के अंडर ये कॉलेज मिलता है, दैट इज आपका ये प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। तो अगर ये प्राइवेट कॉलेज है तो आपको पता है कि ये जो कट ऑफ होगा इसका, ये मतलब बहुत पीछे जाता है। मैं शुरू में वीडियो को बता देता हूँ, कट ऑफ इसका थोड़ा सा पीछे जाता है। तो जो भी लो रैंक के स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक लगता है कि तैयारी उतनी ठीक ठाक नहीं हुई है, वो इस वीडियो को अच्छे से देखें क्योंकि ये लो रैंक के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल ये चैनल है फॉर WBCE एस्पिरेंट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट इंपॉर्टेंट, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना। सभी अपडेट्स आपको WBCE रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट कर देता हूं, ठीक। तो सबसे पहले अगर इस कॉलेज की थोड़ी सी ओवरव्यू पे बात कर लो तो ये देखिए 2000 का कॉलेज है। भैया इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, ठीक है, कि मतलब कितना कॉलेज पुराना है। अगर कॉलेज बहुत पुराना है ना तो थोड़ा सा उसका प्लेसमेंट ज्यादा सही होता है, मतलब पुराने कॉलेजेस रिकमेंड मैं करता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इसकी लोकेशन की बात करूँ तो आप देख सकते हो दुर्गापुर में कॉलेज है, ये कॉलेज आपको दुर्गापुर में है, ठीक। अच्छा, अब बात करें लैंडमार्क वगैरह, सभी चीजें मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया, तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये सभी चीजें समझाने लायक तो ये सभी चीजें है नहीं, तो दुर्गापुर का ये कॉलेज है, ठीक। तो मतलब कोलकाता के पास में कॉलेज है, ज्यादा दूर नहीं है कोलकाता से, तो आपको ये भी बेनिफिट मिल सकता है। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर है, मतलब आपको रेलवे स्टेशन से मतलब कनेक्टिविटी मायने रखते हैं, क्योंकि बहुत स्टूडेंट दूर दूर से भी आते हैं, तो रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर मतलब ठीक ठाक है, कोई ज्यादा भी दूर नहीं है, ठीक है। 6 किलोमीटर आपको दुर्गापुर सिटी सेंटर से है और नियरेस्ट बस स्टॉप जो यहाँ पे दिया, दैट इज आपको फुल जोहर बस स्टॉप, ठीक है। तो ये सभी कनेक्टिविटी में दिखा दिया। अब आगे की बात करता हूं तो मोड ऑफ एडमिशन, भैया इस कॉलेज में एडमिशन कैसे लेंगे? तो 80% सीट्स आपको WBCE की, तो WBCE मेजर एग्जाम है, इसको आपको देना होगा। अब WBCE की तैयारी के लिए नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ्स क्रैश कोर्स का, जहां मैं मैथ्स का कंप्लीट करा रहा हूं आपको इस चैनल पे, अनअकैडमी के चैनल पे, तो आप मुझे जाके देख सकते हो, ठीक है, आपके कंसेप्ट जो मैथ्स के है उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। 10% सीट जो होते हैं जेई मेन के द्वारा फुलफिल होते हैं, और अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है, मान जाओ CSE आपको चाहिए और CSE लायक आपका कट ऑफ नहीं आ पाता है, क्लियर नहीं कर पाते हो, तो आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, चाहे इस कॉलेज में हो चाहे वेस्ट बंगाल के कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, अगर आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन चाहिए तो आप नीचे गूगल फॉर्म होगा या फिर डायरेक्टली आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे जी कोर्सेज ऑफर्ड एंड सीट मैट्रिक्स के ऊपर, कितनी सीट्स होती हैं इस कॉलेजेस में, ये मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दिया है, तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो। तो देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 48 सीट WBCE, 6 सीट इसमें TFW भी है, ठीक है। TFW का मतलब बहुत स्टूडेंट नहीं समझ पाते, इट मीन्स कि आपको कुछ सीट्स जो होंगे TFW द्वारा मिलेंगे, मतलब आपका फी नहीं लगेगा इस कॉलेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर बात करूं आपके सामने तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की सीट्स आप देख सकते हो, यहाँ पे 96 सीट्स है कंप्यूटर साइंस की, 12 है जेई मेन से और 6 है आपको TFW से, तो ये दोनों ब्रांच में रिकमेंड करता हूं इस कॉलेज में, मिले तो ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी सभी का आप देख लेना सीट मैट्रिक्स। अब मूव कर जाते हैं कट ऑफ के ऊपर, तो मैं सेकेंड राउंड का कट ऑफ आपको बता रहा हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 45K के अराउंड चला जाता है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग नियरली आप 30K बोल सकते हो, ठीक। तो अगर आपका जो रैंक है वो 30K के अराउंड आ रहा है तो CSE आपको मिल जाएगा इस कॉलेज में, और अगर आपको IT भी चलेगा तो 45K के अंडर आपको रैंक करना पड़ेगा जी, ठीक है, तब जाके आपको IT इस कॉलेज के अंदर मिल जाएगा। बाकी सभी ब्रांचेस में उतना सजेस्ट नहीं करता इस कॉलेज के अंदर, बाकी सबका आप कट ऑफ देख भी सकते हो, ठीक है, वैसे ही एडमिशन हो जाएगा अगर आप सिर्फ WBCE में अपीयर कर जाते हो तो, ठीक। अच्छा, अब फी स्ट्रक्चर की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा फी नहीं है इसका, देयर इज आपके यहां पे लिखा है 4,11,400, तो 4 लाख के आसपास में इसका फी है बीसी रॉय का, और तो ज्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। और हॉस्टल के साथ, तो भैया इसमें हॉस्टल अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल हॉस्टल अवेलेबल है, ये बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है, बच्चों को ज्यादा खोजना नहीं पड़ेगा इधर उधर कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है, सभी चीजें ये लोग प्रोवाइड कर देते हैं, हॉस्टल में मेस भी होता है, ठीक है। हॉस्टल के साथ अगर लेते हो तो नियर अबाउट 7 लाख के आसपास, 6,90,000, तो 7 लाख में बोल देता हूँ अप्रॉक्स हो जाएगा आपका खर्चा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हॉस्टल फैसिलिटी, मैंने बोला ना हॉस्टल है इसके अंदर, तो बिल्कुल है हॉस्टल विद इन द कैंपस। और बॉयज की बात करूं तो बॉयज कितने यहाँ पे 820, गर्ल्स 452, ठीक है।
हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ऑल फर्स्ट ईयर बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स, सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए हॉस्टल है। ये थोड़ा सा एक मतलब डिमेरिट है कि सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए ही आपके हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है। और हॉस्टल चार्जेस की बात करूँ तो मेस की चार्जेस बात करूँ तो 4,800 है आपको मेस बिल है आपका, और जो रहने का खर्चा दैट इज आपका 1,500 पर मंथ है। मतलब एक मंथ में सिर्फ रहोगे तो 1,500, और मेस के साथ बात करूँ तो मेस आपका 4,800, ठीक है। अच्छा, तो ये सभी मैंने आपको बता दिया। अब आगे की बात करता हूँ, कैंपस फैसिलिटीज की बात करता हूँ, तो ग्रीन कैंपस है बहुत सारा, मतलब पूरा इन्होंने इन्वायरमेंट सही रखा है बिल्कुल। क्लासरूम्स ठीक ठाक है, लाइब्रेरी भी है इस कॉलेज में, बहुत सारे बुक्स है लाइब्रेरी के अंदर, तो ठीक ठाक लाइब्रेरी भी मिलेगी। उसके अंदर भी आपको वाईफाई का फैसिलिटी मिलेगा, तो आपको लाइब्रेरी में बैठ के, मतलब अगर इंटरनेट की बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रिक्वायर्ड होती है इंजीनियरिंग के टाइम में, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। फैसिलिटीज आपको क्रिकेट फुटबॉल, तो जो भी लोग स्पोर्ट्स लवर हैं उनके लिए बहुत ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल ये सभी चीजें आपको देखने के मिलेगी। इंडोर गेम्स में बैडमिंटन कैरम टेबल टेनिस ये सभी चीजें भी यहाँ पे होती हैं जी, ठीक है। इंट्रा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होता है डिपार्टमेंट वाइज, जैसे सीएससी आईटी का मैच हुआ, आईटीसी का, मतलब डिपार्टमेंट वाइज आपको क्रिकेट टूर्नामेंट फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ होते रहते हैं, तो सही है, ठीक है। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो, कल्चरल ग्रुप क्लब भी है यहाँ पे, साइंस क्लब भी है, और डांस एंड म्यूजिक क्लब भी है, तो फेस्ट वगैरह भी यहाँ पे कंडक्ट होते रहते हैं। अब बात करते हैं भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज आपका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। प्लेसमेंट ही तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना किसी भी कॉलेज का, तो इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर 2023 जो कि रीसेंट ईयर इससे बात करें ना, तो 83% स्टूडेंट प्लेस्ड हुए हैं। मैक्सिमम जो सीटीसी गया दैट इज 13.5, और जो एवरेज गया दैट इज आपको 4 LPA। आप देख लो हर साल के कंपेयर में कर दो, 2022 में एवरेज देखना, एक बार 2021 में एवरेज देखना, और इस बार एवरेज देखना, तो इंप्रूव हुआ है ये कॉलेज 2023 में, इसका प्लेसमेंट ठीक रहा। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो TCS, Cognizant, Wipro और आपको Infosys, Accenture, ये सभी टॉप रिक्रूटर्स हैं यहाँ पे, तो अच्छी कंपनीज भी यहाँ पे आती है। अब जल्दी से मैं बात कर लूँ रेटिंग के ऊपर, तो एकेडमिक पे मैंने 7.5, ये स्टूडेंट्स की रेटिंग है, मेरी रेटिंग नहीं है, जो स्टूडेंट्स इसमें पढ़ते हैं उनकी रेटिंग है। अकोमोडेशन की बात करूँ तो 7.9, फैकल्टी भी ठीक है, 8 की रेटिंग उन्होंने दी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर इस कॉलेज का बहुत अच्छा है, ठीक है। प्लेसमेंट थोड़ा सा अभी इंप्रूव हुआ है, लेकिन पहले उतना ठीक नहीं था, इसलिए 7 की रेटिंग। सोशल लाइफ सही है इस कॉलेज की, तो 7.9, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट, उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि इस चैनल पे आपको काउंसलिंग रिलेटेड वीडियो, सभी वीडियोस अवेलेबल होंगे टिल योर WBJEE, जितना भी मतलब WBJEE का जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सभी इस चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर, और अगर आपको काउंसलिंग करना होगा ना हम लोग के थ्रू, तो उसका भी नीचे गूगल फॉर्म मिल जाएगा, जाके आप कर सकते हो, फिल कर देना, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, सभी गाइडेंस आपको कर देगी कैसे काउंसलिंग करना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी वहां पे, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रोज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज लाइफ बहुत अच्छा है इस कॉलेज का, मैंने आपको शुरू में बता दिया, वो हॉस्टल फैसिलिटी है इसके अंदर, तो भैया है प्रोज, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स की बात करूं तो इंप्रूव हो रहा है, मैंने बोला ना कि शुरू का आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं फिर से एक बार प्लेसमेंट दिखा देना चाहूंगा, देख लेना 2021 और 2020 उतना सही नहीं था, बट 2023 में ठीक रहा है। लो रैंक स्टूडेंट, मैं हमेशा बोल रहा हूँ लो रैंक स्टूडेंट के लिए, अगर आप ड्रॉपर हो, आपका लो रैंक आ गया है, एनी हाउ आपको एडमिशन लेना ही है, फी भी कम है, तो ये कॉलेज आपके लिए सही है, ठीक है। कॉलेज इज वेरी गुड प्लेस, वो मैंने मेंशन भी किया, 2023 में इसका प्लेसमेंट सही है। लैंग्वेज लैब, ये सभी लैब वगैरह बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज के। अब बात करते हैं कॉन्स के ऊपर, तो प्लेसमेंट कोर ब्रांचेस के तो आपको पूरे वेस्ट बंगाल में कहीं भी सही नहीं मिलेंगे, तो ये भी है उसमें। अच्छा, इस कॉलेज में ना स्टूडेंट्स को मतलब यूनिफॉर्म भी पहन के जाना होता है, तो ये थोड़ा सा एक कॉन्स मैं मानता हूँ कि आपको कॉलेज लाइफ नहीं थोड़ी सी स्कूल लाइफ टाइप फील आएगी, ठीक। कैंटीन और मेस जो है उसका खाना उतना ठीक नहीं है, तो ये भी एक कॉन्स है, और इन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैं ऐड कर देता हूँ कि इसका जो प्लेसमेंट है वो उतना अप टू दी मार्क नहीं है, नॉट अप टू दी मार्क, ठीक है, नॉट लगा देता हूं यहाँ पे, नॉट अप टू दी मार्क, तो ये भी एक कॉन्स है, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कुछ पिक्चर्स में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये बीसी रॉय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का फोटो है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे, ये कुछ पिक्चर्स है जो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। तो मैंने ग्रीनरी सिस्टम बोला ना, ठीक ठाक है, ठीक। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई भी डाउट होता है कॉलेज रिलेटेड या पढ़ाई रिलेटेड, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर इन्फॉर्म कर देना, नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा, वहां भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल जरूर जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद।